आज से 26 साल पहले फिल्म अंजाम रिलीज हुई थी, शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित की, दीपक तिजोरी स्टारर। राहुल रवेल ने इसका निर्देशन किया था और इस फिल्म को जो है बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया था। उसी फिल्म से जुड़ी बहुत सारी अनसुनी ऐसी बातें हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं। और ये फिल्म जो है 26 ईयर ऑफ अंजाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रही है। क्या है ऐसी चीजें जो इस फिल्म से पहले, अगर मैं आपको कहूं कि ये फिल्म जो है रेखा और अनिल कपूर को मिलकर बनाई जाने वाली थी तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन इस फिल्म के लिए पहले रेखा और अनिल कपूर को पूछा गया था। रेखा ने जब मना किया तो माधुरी दीक्षित ऑन बोर्ड आई और उसके बाद जो है माधुरी के अपोजिट सबसे पहले अनिल कपूर को पूछा गया, लेकिन जब माधुरी ने मना किया अनिल कपूर ने मना किया तो शाहरुख खान को ये फिल्म ऑफर हुई। इस फिल्म का पहले टाइटल था मजनू का जुनून, लेकिन जब इस फिल्म को फिल्माया जा रहा था तो इस फिल्म का टाइटल रखा गया मजनू की दीवानगी, क्योंकि आपको पता है जिस तरह का स्टोरी प्लॉट था कि विजय शिवानी को प्यार करता है लेकिन शिवानी की शादी अशोक से हो जाती है। विजय यानी शाहरुख खान, शिवानी यानी माधुरी, अशोक यानी दीपक तिजोरी। और जब विजय शिवानी को नहीं भुला पाता है तो वो किस तरह से उसकी लाइफ में वापस एंटर करता है और पूरी जो उसकी शादीशुदा जिंदगी है वो उथल पुथल हो जाती है। इसमें शाहरुख ने एक नेगेटिव किरदार निभाया था और इससे पहले जो है वो डर और बाजीगर में इस तरह का नेगेटिव किरदार निभा चुके थे। माधुरी और शाहरुख की पेयरिंग की ये सबसे पहली फिल्म थी, इससे पहले जो है ये दोनों बतौर अपोजिट मतलब पेयर में इससे पहले नहीं आए थे। समीर और आनंद मिलिंद का जो संगीत है वो काफी फेमस हुआ था, चने के खेत में बड़ी मुश्किल है, ये गीत आपको याद ही होंगे। लेकिन बड़ी मुश्किल है ये जो गीत है ये दिल फिल्म के लिए 1990 में बनाया गया था, लेकिन उस समय ये फिल्म में फिट नहीं हो सका, इंद्र कुमार को ये गीत पसंद नहीं आया था। तब जब समीर और आनंद मिलिंद इस फिल्म पर दोबारा काम कर रहे थे तब उन्होंने सोचा कि ये गाना इस फिल्म में डाला जाए, और आपको पता है ये गाना कितना हिट हुआ था, चने के खेत में बहुत ही ज्यादा पैपी नंबर था और लोगों ने बहुत पसंद किया था। बरसों के बाद आई मुझको याद, आपको ये गाना याद होगा, ये गीत जो है पूरा वन शॉट में फिल्माया गया था। इतना ही नहीं, इस फिल्म से जुड़ी और भी ऐसी बातें हैं जैसे कि शाहरुख खान की पत्नी इस फिल्म से जुड़ी हुई थी, उन्होंने इस फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम भी डिजाइन किए थे। और राहुल रवेल ने अपने जो कि इस फिल्म के निर्देशक हैं उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में एक बात बताई थी कि इस फिल्म का जो एंड है जो उन्होंने सोचा था वो ये था कि सिर्फ फिल्म के आखिर में शाहरुख खान को दिखाया जाएगा कि वो मर जाते हैं, लेकिन जब वो काम कर रहे थे इस फिल्म पर तब उनको लगा कि नहीं सिर्फ शाहरुख अगर मरते हुए दिखाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने माधुरी और शाहरुख दोनों को ही फिर जो है फिल्म को फिल्माते हुए इस फिल्म का एंड चेंज किया गया, और इस फिल्म का जो टाइटल है अंजाम वो भी फिल्म कंप्लीट होने के बाद जो है सोचा गया। मजनू का जुनून पहले सोचा गया था, उसके बाद जो है जब फिल्म शूट हो रही थी तब इस फिल्म का टाइटल था मजनू की दीवानगी, लेकिन जब फिल्म शूट होकर पूरी हो गई तो इसका टाइटल बदलकर अंजाम कर दिया गया। तो इस फिल्म का 26 साल हो गए हैं, ट्विटर पर ये ट्रेंड कर रही है। ये फिल्म मेरी भी फेवरेट फिल्मों में से एक है। आपने ये फिल्म देखी है या नहीं, अगर देखी है तो आपको इसमें से कौन सा किस्सा या सीन सबसे ज़्यादा पसंद है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन कमेंट से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।